हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है और कई चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे मैंगो शेक, केक। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो तरबूज के छिलके। जब भी आप घर में तरबूज लाएं तो उनके छिलकों को फेंकिएगा नहीं, उससे बहुत ही अच्छी टूटी फ्रूटी तैयार होगी। छिलकों के लाल पीस अलग कर लीजिए और इनको अच्छे से साफ कर लीजिए। अब इन्हें चाकू या पिलर की सहायता से हरे छिलके उतार लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लीजिए, ये छिलके उतार करके तैयार हैं। अब एक चॉपर की मदद से या हाथ से चाहें तो आप इनके बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस काट लीजिए। कटर की मदद से करेंगे तो सारे पीसेस एक जैसे होंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसको गैस पर उबलने रख दिया है। जो ये हमने पीसेस तैयार करे हैं, इनको इनमें उबलने के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम 8-10 मिनट तक इनको उबलने दीजिए। जब ये पीसेस थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तब इनको बंद कर दीजिए। अब इनको छान करके पानी से अलग कर लीजिए। अब मैंने यहाँ 1/2 लीटर पानी लिया है और 250 ग्राम चीनी। इसकी हमें पतली चाशनी तैयार करनी है। जब ये उबल करके लगभग आधा रह जाए तो इसमें तरबूज के जो छिलके हमने उबाल करके रखे हैं इसमें डाल देने हैं। यहाँ मैंने रोज एसेंस मिलाया है, आप चाहें तो वनीला एसेंस भी मिला सकते हैं। और इसको लगभग 8-10 मिनट तक लो फ्लेम पर उबलने दीजिए। लगभग 10 मिनट बाद गैस बंद कर दीजिए और जितने कलर आपके पास हैं उस हिसाब से उतनी कटोरियां लेके इनको अलग अलग कटोरियों में ले लीजिए। पहली डिश में मैंने येलो कलर मिलाया है, इसको अच्छे से मिला दीजिए। सेकंड में मैंने रेड कलर मिलाया है। आपको जो भी कलर मार्केट से मिले आप मिला सकते हैं। थर्ड में मैंने पिंक कलर मिलाया है। सारे कलर मिला के इनको कम से कम 2-3 घंटे ऐसे ही कटोरियों में रख दीजिए, ये कलर अब्सॉर्ब कर लेंगे। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। अब 3 अलग अलग प्लेट लीजिए और इन पर टिश्यू पेपर लगा करके इनको अलग अलग फैला लीजिए। क्यों, देखने से ही लग रहे हैं ना शानदार। यहाँ मैंने तीनों कलर की चेरीज को अलग अलग प्लेट्स में टिश्यू पेपर फैला लिया है। इनको थोड़ी देर पंखे के नीचे फैला करके सूखने दीजिए। बची हुई चाशनी फेंकिएगा नहीं, शरबत में स्क्वैश में काम आ जाएगी। अब मैंने यहाँ एक ट्रे लिए, उसको फॉइल पेपर से कवर कर दिया है और इनको अच्छे से अलग अलग करके फैला दीजिए। कम से कम 7-8 घंटे हमें इन्हें सुखाना है। हो सके तो इनको धूप में सुखा लीजिए, उससे ये जल्दी सूख जाती हैं। देखिए क्या शानदार टूटी फ्रूटी तैयार हैं। देखने में ही लग रही है ना शानदार। इनको आप कस्टर्ड में, मैंगो शेक में डाल के यूज कीजिए, केक में लगाइए। बच्चों तो देखते ही फटाफट खाने की जिद करेंगे। तो देखिए कैसे बन गई तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी तैयार। आगे से आप भी ऐसे ही तैयार कीजिएगा और यूज कीजिएगा, गर्मियों में मजा ही आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।